देश में किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश के किसान सड़कों पर 71 दिनों से कृषि बिल वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलनरत है, लेकिन सरकार अपने जिद पर अड़ी हुई है। आज किसानों के समर्थन में कई दलों के द्वारा चक्का जाम बुलाया गया है, जिसमें जन अधिकार पार्टी के नेता और कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में आज पटना सिटी के दीदारगंज टोल प्लाजा के पास चक्का जाम कर दिया है। राज्य सरकार सहित केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। हालांकि इस जाम के कारण नेशनल हाईवे पूरी तरह से जाम हो गया। लाल साहब यहाँ आए हैं, पूरे देश में उन्होंने अलग से जगाई है, हर जगह घूम घूम कर, और एक तारीख से जो हमारा ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है जो 14 तक चलेगा, हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार तक सही संदेश जाएगा। और जो आयुर्वेदिक चिकित्सकों में जो जिन्होंने सर्जरी से एमएस किया और जो खुद भी नहीं चाहते हैं सर्जरी करना, इसलिए उनकी ट्रेनिंग अधूरी है, होम्योपैथिक डॉक्टरों ने तो सीधे ही इनकार कर दिया। तो हम लोग चाहते हैं कि जनता का भला हो, किसी ऐसे व्यक्ति को सर्जरी का लाइसेंस नहीं मिल जाए जिसकी ट्रेनिंग ही अधूरी है और जिसके साथ टीम नहीं है, क्योंकि IMA इसका सख्त विरोध कर रहा है पूरे राष्ट्र में, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हर जगह जा रहे हैं, और इसी संगठन की एकता से हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार यह आदेश वापस लेगी। और जो अभी तक सर्जरी की प्रक्रिया रही है जिसमें एक ट्रेंड सर्जन होता है जो बरसों ट्रेनिंग के बाद तैयार होता है, उन्हीं लोगों के हाथों सर्जरी होगी और जनता का भला होगा। ठीक सर, क्यों आप लोग देखिए मिक्सोपैथी को हम लोग उसके अगेंस्ट मेजिटेशन कर रहे हैं पूरे कंट्री में। आज के दिन नहीं 30 दिनों का इस रिले फास्ट है, इसमें इन लोगों ने जो अनट्रेंड डॉक्टर है उसको सर्जरी करने का अलाउ कर दिया गया है। जो उनकी पढ़ाई होती है, जो उनके करिकुलम में है, जो उनके सिलेबस में है, हम लोग को दिक्कत नहीं है आयुर्वेद काम करें, जो उनकी पढ़ाई नहीं है उसको कैसे करेंगे। उनको फेको ऑपरेशन आई में करवाने की बात हो रही है, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा करके कहें कि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त और वो लोग सब पेशेंट में जनहित में यह काम ठीक नहीं है, इसको हम लोग पोच करेंगे। लोग आयुर्वेद में बढ़ावा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एलोपैथ के साथ मिक्स नहीं करिए, होम्योपैथ के साथ मिक्स नहीं करिए, इसलिए हम लोग। We'll be right back.